Hello, guys. Elusive Dream. No. हेलो गाइस, इलूसिव ड्रीम यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी एक जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे 449 साल की कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, आज का कहानी कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि जो जगह पे हम जाने वाला है वहाँ पे ऐसी कुछ कहानी जुड़ी हुई है जो आपको इस जगह के बारे में और ज्यादा जानने के लिए मजबूर कर देगा। सो गाइस, वीडियो के साथ जरूर एंड तक बनते रहिएगा, क्योंकि कहानी के साथ साथ नेक्स्ट लेवल का एंटरटेनमेंट भी होने वाला है। सो चलिए भाई, सब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यही वो जगह जिसको चिल्कीगढ़ कनक माता देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर इसके लोकेशन के बारे में बताया जाए तो कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में झारग्राम जिले के अंदर चिल्कीगढ़ में अवस्थित है। दोस्तों, कहावत है कि लगभग 1749 में सामंतराज गोपीनाथ सिंह ने ये मंदिर को बनाया था। दोस्तों, देवी माता का मंदिर को रक्षण करने के लिए चारों तरफ ठीक इसी तरीके से नेट के द्वारा चारों तरफ घेर दिया गया है। प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ बनाया गया है पार्किंग जोन, और इसके ठीक पीछे तरफ बनाया गया है पिकनिक स्पॉट, और इसी मंदिर के ठीक सामने यानी इसके बगल में बह रहा है डुलुंग नदिया। इसी मंदिर के चारों तरफ जंगल से छाया हुआ है, और इसी जंगल में हर तरह का यानी लगभग 365 तरह की ज्ञात अज्ञात औषधि पौधे संरक्षण किया गया है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे हिलने का मौका मिल जाएगा ना, आपको कभी मतलब घर जाने का दिल ही नहीं करेगा। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जिस टाइम राजा गोपीनाथ का यहाँ पे राज चलता था, लेकिन अभी इसी वक्त वानर सेना का राज चलता है। दोस्तों, ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार, और इसके दाहिने और बाएं तरफ जितने सारे आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो सारे के सारे औषधि पौधे हैं। दोस्तों, ये रहा मंदिर का पीछे तरफ। हम लोग तो मंदिर का सामने तरफ देख लिया, मतलब उसका सामने का नजारा क्या है वो हम लोग जान चुके हैं। तो आप देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना जंगल सा, ये पूरा का पूरा मंदिर का पीछे तरफ है। और यहाँ पे आपको मंकी देखने को मिल जाता है, और तो बहुत सारा यहाँ पे जानवर रहता है, जो कि अगर हम लोगों को मिलेगा तो आपको दिखाने वाला हूँ। और आगे जाके देखते हैं क्या क्या इधर मिलता है, और यहाँ का जितना सारा है वो हम लोग आपको पूरा का पूरा दिखाने का कोशिश करूंगा। हाय, हेलो, हाय, पूरी महिला। और दोस्तों, राजा गोपीनाथ सिंह ने उस टाइम एक कानून बनाया था कि जो लोग राजद्रोही होंगे उनका यहाँ पे बलि चढ़ाया जाएगा, और तब तक बलि चढ़ाया जाएगा जब तक बलि का खून डुलुंग नदी के पानी में आकर ना मिले। ओए, ओए, तूने शादी किया? तेरा बीबी किधर है? ओए, तेरा बीबी तुझे छोड़ के चली गई? तेरे पास कभी नहीं आऊंगा साला। तो दोस्तों, जिस मूर्ति राजा गोपीनाथ ने बनाया था वो मूर्ति 2007 और 8 के बीच में चोरी हो गया था। फिर राजा गोपीनाथ का उत्तर सूरी ने बनाया नया मूर्ति, वो भी अष्टफलक का। दोस्तों, इस झूलन पे झूलने के वक्त ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे हिमालय से कन्याकुमारी तक हिल रहा हूँ। ओ भाई साहब, देखो ये लोग ऐसे झूल रहा है झूलन पे जैसे इनका बाप का प्रॉपर्टी है। और दोस्तों, ये झूलन बनाया गया बच्चों के लिए, और ये भाई साहब दोनों 80 साल का बुड्ढा कैसे झूल रहा है लाजशरम बेच के, जैसे उनके लिए बनाया गया है। कैसे मजा लूट रहे देखो तो सही। और दोस्तों, अभी तक यहाँ का लोकल आदमी का कहना है कि अश्विन महीना का 8वां दिन पे देवी माता खुद आती है और अपने हाथों से प्रसाद बनाती है। दोस्तों, ये महारानी का पिछले साल 12 आई थी, और उसके बाद क्या हुआ वो आप समझ सकते हो, और आप देख सकते हो इसके गोद में कैसे प्यारी लाल खेल रहा है। दोस्तों, राजा गोपीनाथ सिंह के समय में नरबली कुछ साल चला था, उसके बाद देवी खुद क्रोधित हो गई थी। देवी आई उसकी सपनों में और इतने क्रोधित थी, और उनको नरबली बंद करने के लिए आदेश दी, और उसी टाइम से नरबली रोक दिया गया था। अभी दोस्तों, यहाँ पे बकरी बलि चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसके शादी के टाइम एक घटना घटी थी जो की है, लंबी खरगोश कुत्ते जैसा जितने सारे जानवर थे उन सारे को इन्वाइट किया गया था, लेकिन हाथी को इन्वाइट करना भूल गया था। लेकिन उस टाइम तो कुछ रिएक्शन नहीं था, आज हम देखेंगे उसका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि आज वानर राज ने गया हाथी के घर पे। सो चलिए आगे जगह देखते हैं क्या होता है। ओ भाई, शायद लगता है कि हाथी का गुस्सा एकदम नेक्स्ट लेवल पे चढ़ गया, और दौड़ा दौड़ा के मारा मानव को। देखिए कैसे दौड़ते आ रहा है, साले पानी तक नहीं दिया, कैसे पानी पी रहा है देखिए दौड़ के आकर। अब देख सकते हो उस टाइम मंदिर को कुछ इस तरीके से बनाया गया था, लेकिन मंदिर तो पुराना हो गया है बहुत सारे, लेकिन अभी तक वैसे ही है। और देवी माता अब यहाँ पे नहीं रहते है, देवी माता के लिए नया मंदिर बनाया गया, क्योंकि आप देख सकते हो पुराना
पुराना जो मंदिर है उसके बीचों बीच एक डिवाइड हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ साल पहले आसमान से बिजली गिरी थी जिसके कारण ये दो टुकड़े से टुकड़ा हो गया था। और आप देख सकते हो ये रही देवी माता का नया मंदिर। अभी इस मंदिर बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थान हो चुके हैं, साल भर के दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। दोस्तों चलिए आप देखते हैं यहाँ का समता कैसे वानर सेना ने कब्जा किया है। मैं समझ गया, अब हाथी को क्यों इस जंगल छोड़ना पड़ा। समझ रहे हो आप? सुरज, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो गाइस, चलिए आज के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।